मेरा नाम सुंदस है और मैं LGS में जॉब करती हूँ। मैंने 2012 में सूरह रहमान सुनी थी और दुआ की थी। मेरा बचपन से ही ये क्वेश्चन था कि क्या अलामिया गुनहगारों को मिलते हैं या नहीं मिलते। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लग गई कि मैं तो बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ और मैं तो कोई नमाज़ें भी नहीं पढ़ती और मैं पर्दा भी नहीं करती और मेरे अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, लड़कों से भी दोस्ती हैं सारा कुछ, तो क्या अलामिया मुझे मिलेंगे या वो कभी मेरे फ्रेंड बन सकते हैं या नहीं बन सकते। तो मैंने बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी, बुक्स से वजीफे करना शुरू कर दिए, फ्रेंड से पूछ पूछ के बहुत सारे अलामिया के नाम भी पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं डे बाय डे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। मुझे हर वक्त फीवर रहता था, बुखार की कैफियत रहती थी, बॉडी में मेरी बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, मेरे हाथों पर उससे सेक निकलता रहता था और उसका और मुझे 3 साल से मुसलसल जो है वो उल्टियाँ आ रही थी और वो ठीक नहीं होती थी। इवन मैं डॉक्टर पर भी जाती थी तो वो पूछता था कि आपको क्या मसला है। तो मैं उस तब डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जॉब कर रही थी, तो जो मेरे कंसल्टेंट थे, मेरे बॉस थे, मैंने उनसे डिस्कस किया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो उनके पास एक उनकी कलीग थी, वो भी डॉक्टर थी, तो उन्होंने कहा कि तुम इनसे अपना मसला शेयर कर लो। तो उन्होंने मुझे सूरह रहमान का बताया और उन्होंने मुझे दुआ कराई और जिस वक्त मैंने दुआ की उसके बाद से आज तक मुझे कभी वॉमिटिंग नहीं हुई, मेरी वो जो सारी फीलिंग्स थी वो ख़त्म हो गई। और जब मैंने सूरह रहमान सुनना शुरू की तो मेरे मुंह पे हर वक्त स्माइल रहता था और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ठंडक सी फील होती थी और बहुत ज़्यादा सुकून मिलने लग गया। जो एक मेरी फ्रस्ट्रेशन थी कि शायद मैं इसलिए बीमार होती जा रही हूँ कि अल्लाह मेरी इबादतें कबूल नहीं कर रहे या कुछ, तो वो सारा कुछ ख़त्म हो गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गई। मुझे एक बॉन्ड, एक दोस्ती वाला जो रिलेशनशिप है वो फील होने लग गया अल्लाह मियाँ के साथ। उस दुआ के कोई 1 महीने के बाद मुझे रात को जो है वो दर्द हुआ बहुत ज़्यादा पेट में, तो मैं मुझे सर्विसेज हॉस्पिटल ले आए। यहाँ मेरे टेस्ट वगैरह हुए तो डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें तो अपेंडिक्स है और उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। ड्रग्स वगैरह लग गई कि सुबह 7 बजे जो है वो मेरा ऑपरेशन है। तो मैंने वो डॉक्टर जिन्होंने मुझे दुआ कराई थी, डॉक्टर मरियम, मैंने उन्हें कोई कॉल की तो उन्होंने कहा तुम दुआ करके पानी पियो, जो तुम्हारी फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट होगी वही सही है, तुम उसको ही फॉलो करना। जब मैंने ये मिनरल वाटर की बॉटल यहीं से खरीदी और मैंने 3 घूंट पानी पिया तो मुझे ख्याल आया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर चले जाना चाहिए। लेकिन मेरे घर वाले साथ थे तो मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे इस बात पर भी ट्रस्ट था कि मेरी फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट कभी गलत नहीं हो सकती। तो मैंने यहाँ ज़बरदस्ती डॉक्टर्स से जो है वो कह के कि मुझे आप जाने दें, मैं घर चली गई और मैंने अपनी मामा से ये प्रॉमिस किया कि मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल से जो है वो टेस्ट वगैरह कराऊंगी और फिर सर्जरी करवाऊंगी। लेकिन उसके बाद मैं कभी भी, मेरी पेन खुद ही ठीक हो गई 1 घंटे बाद और मैं दोबारा कभी भी मैंने टेस्ट वगैरह नहीं करवाए। तो बेसिकली जो आपकी फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट होती है और जो आपकी दुआ होती है आपने उसी पर ही कायम रहना होता है और हम उसी पर ही कायम नहीं रहते। ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है कि आप दिल साफ करें, सबको माफ़ करें और 3 दफ़ा अल्लाह कहें, आप अल्लाह मियाँ से जुड़ जाएं, आप अपने दिल को साफ रखें। लेकिन वो हम एक्सपीरियंस उस वक्त तो कर लेते हैं लेकिन बाद में जो है हम दोबारा से उन्हीं चीज़ों में आ जाते हैं, गिले शिकवे शिकायतें लड़ाइयाँ, और हमारा बॉन्ड जो है वो अल्लाह मियाँ के साथ टूट जाता है, इसलिए हम बीमार हो जाते हैं।